हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूँ। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और साथ में कुछ डिस्कशन भी आपको मिलेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको तभी देखने मिलेंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद बेल वाली घंटी दबा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है। भूकंप की तीव्रता हम किससे मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता यानी कि कितने पावर का भूकंप आया है, रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। याद रखेंगे आप, रिक्टर स्केल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक उत्तेजक पदार्थ क्या है। यानी कि तंबाकू जब आप खाते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो आपके दिमाग को उत्तेजित करता है और वो आपको एक संतुष्टि की प्राप्ति करवाता है, तो वो जो पदार्थ है उसे हम निकोटीन कहते हैं, ठीक है। निकोटीन, निकोटीन ही वो है, एक पदार्थ है यानी कि निकोटीन की आपको लत लग जाती है, वही यहाँ पे है निकोटीन। किसी भी प्रकार का आप तंबाकू खा सकते हैं, भले ही वो गुटखा हो या फिर कोई भी पान मसाला हो या फिर तंबाकू हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सोडा पानी में होता है, सोडा पानी में क्या होता है। सोडा पानी जो हम पीते हैं इसमें क्या होता है? तो इसमें एसिड होता है, कार्बनिक एसिड, ठीक है, कार्बनिक एसिड होता है, याद रखेंगे आप। सोडा पानी में कौन सा एसिड होता है? कार्बनिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्यों। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका क्या कारण है कि पहाड़ों पर वायुदाब कम होती है, ठीक है। तो जो भी पदार्थ है उसका क्वथनांक कम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कम तापमान पर भी जल उबल जाता है। जैसे कि अगर क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पे क्वथनांक घट के 70 या फिर 80 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। तो अब जहां पे उसे गर्म होने के लिए 100 डिग्री चाहिए, उसे 70 या 80 ही चाहिए, तो वो जल्दी उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कि किस राज्य की शाही लीची को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है। तो ये लीची कहाँ का सबसे ज्यादा मशहूर है? तो मुजफ्फरपुर का लीची है जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है। बिहार का जो लीची है ये सबसे ज्यादा फेमस है और यहीं का शाही लीची यहीं का है, ठीक है। यहां पर देखते हैं कि एक वर्ष के लिए सबसे बड़े प्रयासों के बाद, यानी कि एक साल से इसके पीछे बिहार की सरकार मेहनत कर रही थी और बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची को आधिकारिक मान्यता मिल गई है और इसे भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है। अब शाही लीची मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय व पूर्वी चंपारण का उत्पाद ही माना जाएगा, ठीक है। और शाही लीची ग्रोवर एसोसिएशन ऑफ बिहार के नाम से प्रमाणित किया गया है। इसे याद रखेंगे आप, ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे शाही लीची ग्रोवर एसोसिएशन ऑफ बिहार के नाम से प्रमाणित किया गया। अगर आप किसी भी बिहार के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, एग्जाम में ये चीज़ पूछा जा सकता है। आगे कि मानव तस्करी से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने स्वयं सिद्ध शुरू किया है। मानव तस्करी से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने स्वयं सिद्ध शुरू किया है, मानव तस्करी से निपटने के लिए? तो यह सरकार है पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। तो यहां पे आप याद रखेंगे, मानव तस्करी से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल ने कौन सी योजना शुरू करी है? तो स्वयं सिद्ध, ठीक है। ये क्या है ये योजना? तो देखिए, स्वयं सिद्ध का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मनिर्भरता, ठीक है। स्वयं सिद्ध का मतलब होता है आत्मनिर्भरता और इसके तहत जो है अभियान के तहत क्या है कि जागरूकता फैलाया जाएगा और लड़कों को, लड़कियों को और जो बाल विवाह वगैरह हो जाता है इन सब के खिलाफ, तस्करी के खिलाफ भी क्या होगा कि लोगों को जागरूक किया जाएगा और उन्हें सशक्त बनाने में मदद किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने हृदयनाथ पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया, यानी कि यहाँ पे 2018 के हृदयनाथ पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया जाएगा। देखिए 2018 का है लेकिन पूरे 2018 का जो अवार्ड है वो 2019 में दिया जाता है, तो ये इस वर्ष के लिए ये करेंट अफेयर है। तो ये किन्हें दिया गया अवार्ड? तो ये दिया गया मोहम्मद जहर खयाम हाशमी, ऑप्शन नंबर सी, बड़ा सा इनका नाम है, ठीक है। तो मोहम्मद हाशमी अगर आप नाम याद रखेंगे, बीच वाला अगर गायब भी कर देते हैं तो आपको याद रहेगा, ठीक है। और काफी स्ट्रेंज सा नाम है, अलग सा नाम है, अननोन पर्सन है ये, तो याद रह जाएगा इनका नाम। आगे है कि अमीटर द्वारा मापा जाता है, अमीटर जो है वो क्या मापता है? तो अमीटर जो है ये मापता है विद्युत धारा, ठीक है। जैसे कि एक फ्लो है, इसे कितना करंट बह पास हो रहा है ये नापता है कौन? अमीटर नापता है, ठीक है।
चलिए देखते हैं कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। देखिए क्या है यहाँ पे कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, यह एक कृषि आधारित उद्योग है। मधुमक्खियाँ फूलों के रस को शहद में बदल देती हैं और उन्हें अपने छत्तों में जमा करती हैं। मधुमक्खियों के पालन करने के स्थान को एपियरी कहा जाता है। यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखेंगे कि मधुमक्खियों का जो पालन होता है उसे एपियरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली क्रूज सेवा दो तटीय शहरों के बीच शुरू हुई, तो वो दो तटीय शहर कौन से हैं? अब देखिए तटीय का अर्थ क्या होता है कि वो दोनों शहर जो हैं किसी समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये एक लैंड एरिया है और इधर भी लैंड एरिया और बीच में ये एक सी है या एक रिवर मान सकते हैं आप। तो इन दोनों के बीच में क्या शुरू किया गया है, एक क्रूज सेवा शुरू की गई है, यहाँ से यहाँ ले जाएगा या फिर कहीं भी ले जाए। तो किन दो शहरों के बीच में ऐसा पहली बार हुआ है भारत के क्रूज सेवा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है मुंबई से गोवा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या है ये कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में शनिवार को मुंबई गोवा क्रूज सर्विस का उद्घाटन किया है। ये भारत की पहली लग्जरी डोमेस्टिक क्रूज सर्विस है। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला है कि डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2018 के महिला वर्ग में किस खिलाड़ी ने खिताब जीता? याद रखेंगे आप, डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2018, तो इसका खिताब जीता है ताई त्जू यिंग। याद रखेंगे आप, ताई त्जू यिंग ने ये खिताब जीता है। क्या है कि भारत की महिला शटलर साइना नेहवाल ने 21 अक्टूबर को डेनमार्क ओपन में रजत पदक जीता। अब रजत पदक जीतने का क्या अर्थ हुआ कि वो फाइनल में हार गई थी, और किन से हारी, तो ताई त्जू यिंग से हार गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि किस मंत्रालय ने हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली अभियान की शुरुआत करी है? किस मंत्रालय ने शुरू करा है हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली अभियान? तो ये किस मंत्रालय ने करा है, ये पर्यावरण मंत्रालय ने करा है। क्या करा है, हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली। ठीक है, क्या है यहाँ पे कि वायु प्रदूषण सर्दियों के दौरान देश में विशेषकर उत्तरी हिस्सों में गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेती है, जिसके चलते पर्यावरण मंत्रालय ने हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली अभियान का शुभारंभ किया है। आपको दिल्ली का केस पता ही होगा जहां पर बहुत काले बादल आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? तो किसमें है, केरल में है। ये 2011 के सेंसस के तहत किया जा रहा है। ठीक है, यहां देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में साक्षरता दर 94% है। केरल में पुरुष साक्षरता 96 और महिला साक्षरता 92% है। याद रखेंगे आप, ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, 94%। आगे कि किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी? किसके शासनकाल में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो ये किए गए थे लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके काल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और ये क्या है, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और ये किसके आधार पर किया गया था, तो लंदन विश्वविद्यालय के बेस पे किया गया था। ठीक है, वे केवल परीक्षाएं लेने वाले विश्वविद्यालय थे। ठीक है, याद रखेंगे आप, 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये तीनों स्टेट का नाम याद रखें। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? यानी कि प्रकाश का जो रंग आ रहा है तो वो तो सातों रंग एक साथ आता है, लेकिन सातों रंग जो अलग अलग एक जगह मिले हुए हैं तो वो सभी एक साथ प्रभावशाली नहीं होते, अलग अलग रंग उसमें ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो कौन सा रंग सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, तो वो होता है लाल रंग। ठीक है, उसमें लाल रंग सबसे ज़्यादा काम करता है और बैगनी रंग जो है वो सबसे कम करता है। याद रखेंगे, ये सबसे कम, ये सबसे ज़्यादा। चलिए आगे देखते हैं कि टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है। आपके शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है वो टीकाकरण। आगे है कि नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन कौन सा है? तो कौन सा है, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का U-235, याद रखेंगे आप, यूरेनियम का U-235। आगे है कि मानव रक्त में ग्लूकोज की अधिकतम मात्रा कौन पहुंचाता है? मानव रक्त में ग्लूकोज की अधिकतम मात्रा कौन पहुंचाता है? तो ये प्लाज्मा पहुंचाता है। याद रखेंगे आप, प्लाज्मा। WBC ये रोगों से लड़ने में मदद करता है, और ये जो RBC है ये अपने अंदर क्या आयरन लेके चलता है, आपको पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जर्मनी का मुद्रा कौन सा है, जर्मनी में कौन सी करेंसी चलती है? तो जर्मनी जो है एक यूरो
यूरो कंट्री है तो यहां पे यूरो चलता है, ठीक है, यूरो याद रखिए। आगे है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का दूसरा जानने से पहले पहला जानते हैं, तो सबसे पहला है एशिया और दूसरे नंबर पे कौन आता है, अफ्रीका, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अफ्रीका जो कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया, तो महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया था, इन्होंने दिया था उपदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जल में तैरने वाले पक्षियों के पास क्या होता है, तो इनके पास अलग क्या होता है बाकी पक्षियों से, तो इनके पास जालीनुमा पैर होते हैं जो कि इनको पानी के ऊपर स्टे करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है कि टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन थे, 500 विकेट सबसे पहले किन्होंने लिया था, तो ये लिया था रिचर्ड हेडली ने, किसने लिया था, सॉरी कॉटनी वॉल्स ने लिया था, ठीक है, सबसे पहले 500 विकेट लिया था कॉटनी वॉल्स ने, वेस्टइंडीज के ये प्लेयर थे, याद रखेंगे आप इनका नाम। और सबसे ज्यादा विकेट टेस्ट क्रिकेट में किसके नाम है, तो टेस्ट क्रिकेट में 800 प्लस विकेट्स लिया हुआ है किसने, श्रीलंका के प्लेयर हैं मुथैया मुरलीधरन, ठीक है, मुथैया मुरलीधरन। अगर इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो इटली का अगर आप झंडा देखेंगे तो उनके झंडे पे उनका राष्ट्रीय चिन्ह रहता है वाइट लिली, दो तीन पत्ती वाला इस तरह से एक फूल बना हुआ रहता है, ठीक है, वो वाइट कलर का होता है, वाइट लिली होता है वो, ठीक है। आगे है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार के विरोध के लिए न्यू एकेडमी पुरस्कार किसने जीता, साहित्य में नोबेल पुरस्कार के विरोध के लिए न्यू एकेडमी पुरस्कार किसने किसे दिया गया था, तो यह दिया गया था मैरिसे कोंडे को, याद रखेंगे आप मैरिसे कोंडे को। तो दोस्तों यहां पर 25 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गए हैं, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। और यहां पर इनसे रिलेटेड थोड़ी सी बातें यहां पर बताई गई हैं कि ग्वाडे लुपियन लेखक मैरिसे कोंडे ने नोबेल साहित्य पुरस्कार के विरोध में एक वैकल्पिक पुरस्कार जीता था, इस पुरस्कार को साहित्य में न्यू एकेडमी पुरस्कार का नाम दिया गया था, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो इनके बारे में थोड़ी सी बात है ये, तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।